जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ऑटोकैड के अंदर ये हमारी लोगोस सीरीज चली है, तो इस सीरीज के अंदर मैं लोगोस बनाना बता रहा हूँ कि कैसे आप ऑटोकैड के अंदर लोगोस बड़ी आसानी से बना सकते हो। जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ वो गूगल का लोगो बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऑटोकैड के अंदर गूगल का लोगो बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। तो देखिए, गूगल के लोगो के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले सर्कल कमांड लेता हूँ, तो सी एंटर, और यहाँ पे मैं एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। जो मैं सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ फिलहाल 50 का, तो यहाँ पे मैंने 50 का सर्कल क्रिएट किया। फिर से एक और सर्कल कमांड लेता हूँ और यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से सर्कल बना रहा हूँ मैं 30 का। तो यहाँ पे मैंने दो सर्कल बनाए, एक 50 रेडियस का और एक 30 रेडियस का। अब सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लाइन कमांड लेता हूँ, तो एल एंटर, और इसके सेंटर पॉइंट से एक मैं लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, इधर 50 की लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो मैं एंगल यूज कर रहा हूँ वो एंगल यूज कर रहा हूँ 35 का, ठीक है। लाइन क्रिएट कर रहा हूँ 50 की और एंगल होगा 35, एंटर। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक लाइन क्रिएट करी। लाइन क्रिएट करने के बाद इसको यूज करता हूँ मैं एरे, तो ए आर एंटर सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करता हूँ और जो एरे यूज कर रहा हूँ कॉलर एरे, और इसके सेंटर पॉइंट पर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम रखता हूँ मैं 4, एंटर कर देता हूँ, ठीक है। इनको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक्सप्लोड कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या कर दिया, मैंने एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोड करने के बाद मैं वापस फिर से लाइन कमांड लेता हूँ, तो एल एंटर, और यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से इधर लाइन लेता हूँ मैं 8 की, एंटर, और इसके नीचे से फिर से मैं 8 की लाइन इधर लेता हूँ, क्लियर। अब इस लाइन को मैं आगे यहाँ पर कितने तक, 50 तक ले देता हूँ, और इधर यहाँ से इसको भी मैं 50, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने क्या करें, एक ये लाइन क्रिएट करें। अब लाइन क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रिम कमांड लेता हूँ, तो टी आर डबल एंटर, और यहाँ से इस लाइन को आप क्या कर दीजिए, ट्रिम कर दीजिए, क्लियर। यहाँ से मैंने ट्रिम किया, इधर मैं इसको भी ट्रिम कर देता हूँ, साथ ही साथ इसको भी, और यहाँ से मैंने ये भी ट्रिम किया, क्लियर। इसको भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। अब ट्रिम करने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे ये ट्रिम नहीं होगा तो इसको हम कर देते हैं इरेज, तो यहाँ से ई प्रेस करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, ये हमारा इरेज हो गया। अब इरेज होने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए यहाँ पे यूज करूंगा मैं हैच का, तो एच एंटर, जो मैं हैच यूज करूंगा यहाँ से सॉलिड कलर यूज करूंगा, तो यहाँ से सॉलिड, और इसके अंदर जो कलर ले रहा हूँ कौन सा, रेड कलर, यहाँ से मैंने रेड कलर लिया, इसके अंदर रेड कलर फिल कर दिया। उसके बाद मैं फिर से हैच कमांड लेता हूँ, और इस बार जो कलर ले लेता हूँ मैं येलो कलर लेता हूँ, तो यहाँ से येलो कलर लिया, इसके अंदर येलो फिल किया। फिर से मैं हैच कमांड लेता हूँ, और यहाँ से इस बार जो ले रहा हूँ मैं कौन सा, ब्लू कलर, इस बार मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर ग्रीन कलर, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्रीन कलर सेलेक्ट किया। अब मैं हैच फिर से यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे ले लिया मैंने ब्लू कलर इसके अंदर, क्लियर। तो देखेंगे तो यहाँ पे ये लोगो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारी यहाँ पे ये लाइन दिखाई दे रही है, इन लाइनों को क्या कर देते हैं, हम इरेज कर देते हैं, क्लियर। जो भी हमारे यहाँ पे जो लाइन हमारी व्हाइट लाइन, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, आपको ये लाइन शो कराने के लिए थोड़ा सा स्ट्रोक मैंने बढ़ा रखा था, तो स्ट्रोक बढ़ाने की वजह से क्या है, आपको ये लाइन और ज्यादा डार्क शो हो रही है। अदरवाइज आप स्ट्रोक इतना नहीं रखेंगे तो फिर भी ये लाइन आपकी इतनी महसूस नहीं होंगी कि यहाँ पे आपने कुछ बना रखा है, ठीक है। तो देखेंगे तो यहाँ पे हमने इस लाइन को भी रेज कर दिया, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे गूगल का लोगो आपका बन चुका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय श्री राम।